हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल साइको स्टडी आई एम निशु रावल एंड इन दिस चैनल यू विल गेट द इनफॉर्मेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस ऑफ साइकोजी ऑनर कोर्सिस ऑफ इग्नू एंड आई होप दैट यू विल लाइक द कंटेंट सो बिफोर जंपिंग टू द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट आइकन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल तो इस वीडियो में हम बीपीसीसी सी वन जीरो सेवन की यूनिट सेवन को स्टार्ट करें यूनिट सेवन के सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने मीनिंग और डेफिनेशन समझी थी एटीट्यूड की क्या क्या स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड का कितने टाइप्स एटीट्यूड होता है और क्या फंक्शन होते हैं एटीट्यूड के अब हम पढ़ेंगे एटीट्यूड की फॉर्मेशन की बनता कैसे है और एटीट्यूड चेंज कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन से तो एटीट्यूड फॉर्मेशन कैसे होता है कि एटीट्यूड हमारा बनता है जब हम सोशलाइज करते हैं कि जब हम सोशलाइज करते हैं बाहर जाते हैं सोशल वर्ल्ड में जाते हैं जब जाकर के हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है और एटीट्यूड है क्या अगर दोबारा से इसको रिवाइज करें कि एटीट्यूड क्या है हमारी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इवेलिएशन जो भी हम बनाते हैं दूसरे लोगों को लेकर के या फिर दूसरी इवेंट्स को या सिचुएशन को लेकर के वो हमारा एटीट्यूड होता है ठीक है तो जब हम दूसरे लोगों से मिलेंगे ही नहीं कोई इवेंट अटेंड ही नहीं करेंगे किसी सिचुएशन में घर से बाहर जाएंगे ही नहीं तो हमारा एटीट्यूड बनेगा कैसे किसी भी चीज को लेकर के तो सोशलाइजेशन जब हम करते हैं तब जाकर के हमारा एटीट्यूड बनता है फॉर्म होता है तो हम एटीट्यूड परफॉर्म करते हैं जब हम सोशल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं और सोशल वर्ल्ड के लिए अलग अलग सोशल वर्ल्ड की जो जितनी भी अलग अलग चीज़ें हैं उन सबके लिए अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं और एटीट्यूड जो है हमारा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है अलग अलग सोशल सिचुएशन में अब जब हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें सोशल लर्निंग ये काफ़ी ज़्यादा कीन रोल जो है प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेंट्रल टू एटीट्यूड फॉर्मेशन इज सोशल लर्निंग क्योंकि जब हम सोसाइटी में दूसरे लोगों को देखते हैं जब हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि ये दूसरे लोगों के बारे में या फिर हमारे रिलेटिव्स के बारे में हमारे नेबर्स के बारे में या किसी भी एक थिंकिंग को लेकर के इनकी क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एवैल्यूशन इन्होंने करी यानी कि इनका क्या एटीट्यूड है तो उन्हीं से हमारा एटीट्यूड भी बिल्ड होता है लर्न करते हैं हम हम वी लर्न एटीट्यूड थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर और बाय ऑब्जर्विंग अदर्स कि हम कैसे एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं जब हम दूसरों को दूसरों जब या तो हम डायरेक्ट दूसरों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ठीक है कि हमें कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं एक मेरी कोई फ्रेंड थी मैं उसके साथ जा रही थी और उसने कुछ भी गलत करा मेरे साथ या फिर कुछ भी बहुत अच्छा करा मेरे लिए तो मेरा उसके लिए क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मेरा मेरी उस फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं उसको करूंगी कि ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है ये बहुत अच्छी इंसान है तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी लेकिन मैं दूसरों को ऑब्जर्व करके भी एटीट्यूड लर्न कर सकती हूँ कि जब हम स्कूल में थे ठीक है तो कोई बच्चा क्लास में अगर लेट आए तो उसको पनिशमेंट मिली है तो वो देख करके मैंने क्या ऑब्जर्व करा अब मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ बट मैंने किसी दूसरे को ऑब्जर्व करा कि इसने कोई ऐसा बिहेवियर करा था जो कि अप्रोप्रेट नहीं था एक्सेप्टेबल नहीं था और उसकी वजह से पनिशमेंट मिली तो मुझे भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्यों क्योंकि ये नेगेटिव है कि ये चीज़ गलत है तो ये मैंने इसकी इवाल्यूएशन क्या बनाई है उस बिहेवियर की कि लेट आना गलत होता है देरी से आना गलत होता है तो वो मैंने ऑब्जर्व करके सोशल लर्निंग करी है तब जाकर के मेरा एटीट्यूड बना है तो एटीट्यूड बनने के लिए हमें सोशलाइज करना जरूरी है और सोशल लर्निंग भी रोल प्ले करती है अब इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि कैसे हम फॉर्म करते हैं अपने एटीट्यूड को जिसमें फर्स्ट है मेयर एक्सपोजर तो ये जो मेयर एक्सपोजर है ये कंसेप्ट हमें दिया था जजोन ने जजोन ने नाइनटीन में और ये क्या कह रहे हैं कि जब हम बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं किसी भी चीज से जैसे कि कोई फूड हो गया फोटोज हो गया वर्ड्स या एड्स तो हम उसे उतना पसंद करने लगते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसमें यह है कि जब हम किसी एडवर्टाइजमेंट में किसी प्रोडक्ट को बार 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 देखेंगे ठीक है उसी को एडवर्टाइजमेंट में हमने देखा है हमारे फ्रेंड्स भी उसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं और हमको बाहर जाकर के होर्डिंग्स भी उसी ब्रांड के दिख रहे हैं फिर उसी प्रोडक्ट के दिख रहे हैं तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा उसके बारे में मिलता जा रहा है उसी प्रोडक्ट को लेकर के तो हम क्या हो रहे हैं उससे फेमिलियर हो रहे हैं और जब हम किसी भी चीज़ से फेमिलियर होते हैं हमें वो अपनापन लगने लगता है और जब वो अपनापन हमें लगता है तो हमें लगता है कि ये अच्छी चीज़ है ठीक है हम उसे पसंद करने लगते हैं इसको मेयर एक्सपोजर कहा गया है एक स्टडी भी हुई थी

जैसे हम अपने जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ कंफर्ट फील करते हैं वैसे हम उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ या आइडिया के साथ या स्लोगन के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी चीज़ के साथ हम फेमिलर हो जाते हैं कंफर्ट हमें फील होता है तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है एडवर्टाइजिंग में भी यही होता है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि बार 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 आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है बार बार एक ही चीज़ का एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है तो आप उससे फैमिलराइज होते जाते हो और जब कभी आपको वैसी कोई चीज़ खरीदनी होगी तो आपके दिमाग में पहला वही प्रोडक्ट आएगा कि चलो मुझे कोई है मुझे कोई ब्रांड का मुझे किसी ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं और मैंने सुना है कि इस ब्रांड के कपड़े आजकल काफ़ी ज्यादा चल रहे हैं या फिर मुझे कोई क्रीम खरीदनी है लिप बाम खरीदनी है तो आजकल ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा चल रहा है हर जगह यही मिल रहा है तो मे बी ये अच्छा होगा क्यों क्योंकि हम उससे फेमिलराइज हो गए हैं कि अच्छा ये, ये लिप बाम है ये हर लड़की हर इन्फ्लुएंसर एक्ट्रेस सब इसको यूज कर रहे हैं सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी होती है तो अब जब मेरा टर्न आया है कभी किसी लिप बाम को लेने का या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेने का तो मैं क्या करूँगी कि मेरे दिमाग में वही प्रोडक्ट आएगा क्योंकि वो इतनी बार मैंने उसका एक्सपोजर मुझे मिला है तो मैं उसके साथ कंफर्ट फील करूंगी फैमिलियर मुझे लगेगा वो तो मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूंगी तो मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लिए बनेगा ऑप्टिमल एक्सपोजर द इफेक्ट इज स्ट्रॉगर स्ट्रोंगेस्ट वैन एक्सपोजर इज रैंडम ओवर टाइम टू मच एक्सपोजर कैन रिड्यूस द इफेक्ट अब यहाँ पे भी क्या है कंडीशन क्या है कि एक ऑप्टिमल एक्सपोजर मिलना चाहिए बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं ऑप्टिमल लेवल ऑफ एक्सपोजर होना चाहिए अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ तो जो इफेक्ट होगा वो रिड्यूज हो जाएगा आपको लगेगा यार हर कोई ये यूज़ करे मे भी अच्छा भी नहीं होगा ठीक है तो ये चीज़ भी हो सकती है जो इनिशियल रिएक्शन होता है रिपीटेड एक्सपोजर इंक्रीज लाइकिंग इफ द इनिशियल रिएक्शन इज न्यूट्रल और पॉजिटिव इफ द इनिशियल रिएक्शन इज नेगेटिव रिपीटेड एक्सपोजर कैन इंक्रीज नेगेटिव फीलिंग्स अब इसमें क्या कि शुरुआत जो आपकी होगी यानी कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा किसी भी आइडिया का किसी भी स्लोगन का किसी भी चीज का वो अगर या तो न्यूट्रल हो ठीक है या फिर पॉजिटिव हो इट मीन्स कि नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए या तो पॉजिटिव हो या तो या तो न्यूट्रल हो अगर ये रिएक्शन होता है तो इनिशियल रिएक्शन अगर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल होता है तो आपका ये रिपीटेड एक्सपोजर आप उस चीज़ को आगे चल करके पसंद करोगे अगर आपको शुरुआती ही आपकी खराब हो गई नेगेटिव हो गई तो आप आगे चल करके आपकी उसके लिए नेगेटिव फीलिंग्स ही और ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो ये है मेर एक्सपोजर की जब हम बार 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 किसी चीज़ से एक्सपोजर हमें मिलता रहता है तो हम उससे फेमिलराइज हो जाते हैं फिर हमें कंफर्ट फील होता है और हम उसे पसंद करने लगते हैं उस चीज़ को हमारा पॉजिटिव हम इवेल्यूशन उसकी बनाने लग जाते हैं और इसके लिए हमें ऑप्टिमल एक्सपोजर चाहिए होगा अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमें उस चीज़ का मिला तो हो सकता है कि हम उसका इफेक्ट कम हो जाए हम उसे पहले जितना पसंद करते थे अब उतना उसको पसंद नहीं करेंगे ये चीज भी हो सकती है तो ऑप्टिमल एक्सपोजर हमेशा मिलना चाहिए फिर है इनिशियल रिएक्शन अगर इनिशियल रिएक्शन न्यूट्रल और पॉजिटिव होता है तो ये काम करेगा लेकिन अगर नेगेटिव इनिशियल रिएक्शन होता है कि शुरुआती ही खराब होगी तो उसको कोई भी पसंद नहीं करने वाला उसके लिए आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ही और ज्यादा जनरेट होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी तो ये था मेयर एक्सपोजर नेक्स्ट है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस सेकेंड है इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली कि जब आपका कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस आपको मिलता है किसी भी चीज को लेकर के तो वो आपके जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आपके एटीट्यूड को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली शेप करेगा या फिर चेंज भी कर सकता है मान लो कि वही पुराने वाले एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई लिप बाम लिया फिर कोई हेयर केयर सीरम या शैम्पू आपने ऐसा लिया जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा सुना था कि भाई ये तो हेयर फॉल को बिल्कुल सही कर देता है ठीक है आपने वो खरीद लिया आप क्योंकि आपने बहुत ज्यादा उसके बारे में सुना था आपको इतना एक्सपोजर उसके लिए मिला था तो आपको लगा कि आपको ये खरीद लेना चाहिए आपको पसंद आने लगे तो शायद इससे मेरा काम बन जाएगा आपने पॉजिटिव एवल्यूएशन कर ली थी और वो आपने ले लिया फिर जब आपने उसको यूज करा जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा जो आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस रहा वो हो सकता है कि वो उल्टा भी हो सकता है ठीक है कि वो आपके लिए बिल्कुल वर्क नहीं करा या फिर उसको लगाने के बाद आपका तो और ज्यादा हेयरफॉल हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा आपका जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है वो बिल्कुल चेंज भी हो सकता है कि नहीं ये तो बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है इसको नहीं खरीदना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए हो जाएगा कि आपका क्यों क्योंकि आपका उधर पर्सनल एक्सपीरियंस आपने डायरेक्टली उसको एक्सपीरियंस करा है फॉर एग्जाम्पल एनाटोमिक बॉम्बिक्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड लाइकली क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग ने टोर्स एटमिक वेपन कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जितने भी एटमिक uh, बंबारडिंग हुई थी तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि काफी नेगेटिव जो है एवेल्यूशन लोगों ने करी थी किसको लेकर के नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हो गया था सबका एटमिक वेपन्स को लेकर के क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज्यादा आज तक भी उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स देखे जाते तो जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है लोगों का वो सबसे ज्यादा बिल्ड करता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉगली शेप करता है आपके एटीट्यूड और उससे आपके एक्जिस्टिंग एटीट्यूड को चेंज भी कर सकता है और इसका इंपैक्ट कैसे होता है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस का डायरेक्ट एक्सपीरियंस का एटीट्यूड फॉर्म डायरेक्ट एक्सपीरियंस आर स्ट्रॉ एंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर वही चीज है कि आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा आगे चल करके ठीक है कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि आप कभी जिंदगी में उस प्रोडक्ट को दोबारा नहीं खर, खरीदोगे और अपने दोस्तों को या सबको ये बताओगे भाई ये प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए तो ये इंपैक्ट इसका हो सकता है इन्फॉर्मेशन सीकिंग पीपल टेन टू लुक फॉर इफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स दीज स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स मेकिंग दैम हार्ड टू चेंज इसको कन्फर्मेशन बारे से कह सकते हैं हम कि फिर हम क्या करने लग जाते हैं कि हम ऐसे ऐसे एविडेंसेस देखने लग जाते हैं जो मैंने अपना नया एटीट्यूड बनाया है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत बेकार होता है मैं वही वीडियोस वही यूट्यूब या फिर यूट्यूब के जो कमेंट्स है मैं वही देखूंगी जिससे मुझे ये पता पक्का हो जाए मेरा जो बिलीफ मैंने बनाया एटीट्यूड जो मैंने अपने बनाया है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के वो और ज्यादा स्ट्रॉग हो जाए और वो चेंज ना हो पाए तो मैं वही इफॉर्मेशन देखूंगी ऑब्वियसली उस यूट्यूब वीडियो में बता रखा होगा कि भाई ये तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है मेरे को इतना अच्छे से काम करा मेरे लिए तो मेरे तो हेल्पफुल बिल्कुल रुक गया कमेंट्स में भी एक दो जो ऐसा बोल सकते हैं बट आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा ठीक है आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा वो मायने रखता और आप उसी इन्फॉर्मेशन को देखोगे कि यूट्यूब कमेंट में किसी ने तो बोला होगा भाई मेरे लिए वर्क नहीं करा और फिर मैं अपने आपको ये तसल्ली एक ये सहानुभूति दे सकती हूँ कि भाई देखो इसके लिए भी वर्क नहीं करा और इसके कमेंट को इतने लोगों ने लाइक करे तो मेरे लिए भी वर्क नहीं करा था तो ये प्रोडक्ट खराब है या फिर हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है या फिर ये सबके लिए तो अच्छा नहीं है तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपका जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है स्ट्रॉन्ट्रॉन्गली strong, शेप करता है और चेंज कर सकता है आपके एटीट्यूड को आपके एटीट्यूड को और आप इसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग भी करते हो अपने खुद के एटीट्यूड को बचाने के लिए उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थर्ड इसमें तरीका है क्लासिकल कंडीशनिंग ये हमने 101 में हमने पढ़ा था अच्छे से क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी लर्निंग की थियरी उसमें आगे जो बाकी की थियरीज है वो भी लर्निंग की थियरीज है क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये लर्निंग बाय एसोसिएशन होती है इसको अगर मैं इजी तरीके से समझाऊं तो पैवलोव जो थे ठीक है इवान पैवलोव वो एक एक्सपेरिमेंट एक एक कर रहे थे कि भाई कैसे जो डॉग जो है सिर्फ एक खाली बाउल को देख करके क्यों सेलिब्रेट करते थे जब क्योंकि आगे तो कोई खाना भी नहीं है तो उसको उसकी इस वजह से उनको एक आइडिया आया कि भाई उन्हें एक कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए तो उन्होंने क्या करा उन्होंने पहले बैल बजाई ठीक है बैल बजाने के साथ साथ ठीक है जैसे थोड़ी सी बैल बजाई फिर उसके बाद उन्होंने उसे खाना दिया ठीक है और ये जो एसोसिएशन थी एक बैल की पहले बैल बजाने के बाद खाना देना इसे एक्वाइजेशन बोलते हैं और इसमें उन्होंने क्या करा कि जो बेल थी ये क्या थी हमारी न्यूट्रल स्टिमलस न्यूट्रल स्टिमलस इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्टिमलस इसमें क्या होता है कि कोई भी बेल की वजह से कोई भी डॉक्लिब्रेट नहीं करेगा उसको भूख लगेगी ही नहीं ना उसको समझ में आएगा कि भाई इस बेल का क्या मतलब है न्यूट्रल स्टिमलस वो स्टिमलेस होता है वो ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला उसे हम न्यूट्रल स्टिमलस बोलते हैं कि आपके सामने कोई बैल बजाए तो क्या आपको भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी नहीं होगी तो वो न्यूट्रल स्टिमलस है फिर है अनकंडीशन स्टिमलेस अनकंडीशन स्टिमलेस क्या होता है अ अ नेचुरल नेचुरल दैट एलिसिट्स अनकंडीशन यानी कि जिसकी कंडीशनिंग नहीं करी गई है ऐसा स्टिमलेस यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो कि नेचुरल है जिसकी वजह से आपका नेचुरल रिस्पॉन्स आएगा आपके सामने अगर कोई अनियन कट करे तो आपके नेचुरली जो है टीयर्स आएंगे ठीक है अब अगर कोई आपके सामने बैल बजाता तो आपको रोना नहीं आता लेकिन आपके सामने कोई अनियन कट कर रहा है उस टाइम पर आपको रोना आ रहा है तो अनियन क्या है आपके लिए अनकंडीशन आपको कंडीशनिंग की यानी या कि आपको सिखाने की जरूरत नहीं है वो नेचुरल रिस्पॉन्स आपका उसके लिए आएगा ऐसे स्टिमुलस को हम अनकंडीशन स्टिमुलस बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉस क्या है कि जब आपने सीखा है ठीक है जिसकी कंडीशनिंग यानी कि जो आपको सिखाया गया है जब बार 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 डॉग को पहले बैल बजा रहे थे फिर उसे खाना दे रहे थे ये चीज काफी टाइम तक कंसिस्टेंटली करी गई थी फिर जा करके जो है वो जो बैल थी डॉग सिर्फ और सिर्फ उस बेल पर ही रिस्पॉन्स करना उसने स्टार्ट कर दिया उसको पता चल गया कि भाई ये मेरे जो मालिक है ये मेरे साथ गेम खेल रहे हैं ये मेरे को मतलब जब भी ये बैल बजाएगा उसके बाद मुझे खाना मिलता है तो उसने ये चीज लर्न कर ली यानी कि उसकी कंडीशनिंग हो गई और अब वो एक कंडीशनिंग रिस्पॉन्स देने लग गया कि जब भी बैल बजती है तो उसने वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है ठीक है वो भाग कर आता है सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो ऐसा रिस्पॉन्स जो कि न्यूट्रल स्टल्स को लेकर के आए जो कि लर्न करा हुआ है सिखाया गया है नेचुरल नहीं है उसे हम कंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं अनकंडीशन रिस्पॉस वो रिस्पॉन्स हुआ जो कि कंडीशन अनकंडीशन स्टिमलस को लेकर के आता है कि आपके सामने अनियन कट हुआ ठीक है तो अनियन क्या है आपका अनकंडीशन स्टिमलस अब उसके उसको देख करके आप जो रोए हो तो वो जो आपका रिस्पॉन्स आया वो है आपका जो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है उससे अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोलते हैं फिर जब ये चीज़ बार बार होती जाती है कि भाई पहले बैल बजाई फिर खाना दिया बैल बजाई फिर खाना दिया तो इससे थोड़े टाइम बाद डॉग जो होता है उसको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हर बार ऐसे ही होने वाला है तो वो अपना रिस्पॉस पहले ही देना स्टार्ट कर देता है यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था शुरुआत में वो अब हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है कंडीशन स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जो कि पहले तो कुछ भी नहीं था ठीक है लेकिन बाद में हमने उसे ट्रेनिंग दे देकर हमने उसके उसको एक्विजिशन करी थी अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जिससे कि जिससे बाद में वो कंडीशन स्टिमुलस बन गया ठीक है हमने बेल को खाने के साथ जोड़ा बेल थी हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस एक ऐसी चीज जिससे कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता उसको हमने जोड़ा खाने के साथ खाना था हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस ठीक है जिसको देख करके की, की जो डॉग था वो सेलिब्रेट करता था दोनों को हमने पेयरिंग करी दोनों को जोड़ा इसकी वजह से हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स आने लगा कि अब जो डॉग है वो सिर्फ बैल की साउंड पर ही सेलिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट जो हुआ था पेवलफ ने करा था अब इसको हम सोशल साइकोलॉजी में कैसे पढ़ रहे हैं कि भाई ये जो मेथड है इसका यूज करा जाता है जैसे कि एडवरटाइज एडवर्टाइजमेंट में ठीक है एडवर्टाइजिंग में अब उसमें होता क्या है कि जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट की पेयरिंग करते हैं किसी भी पॉजिटिव स्टिमिलाय से जैसे कि सेलिब्रिटीज से टू क्रिएट पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट ताकि आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आ सके और जैसे कि हमने कल पढ़ा जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था कि एटीट्यूड के यानी कि एटीट्यूड के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है आपके कॉनेटिव कॉम्पोनेंट आता है और अफेक्टिव कॉम्पोनेट भी आता है और अफेक्ट में क्या आता है आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग्स तो अगर आपको किसी प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी क्यों क्योंकि आपका फेवरेट जो यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर या फिर जो भी फेवरेट एक्टर है आपका वो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं फिर उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट उसकी कर रहे हैं ठीक है थीके? उसको प्रमोट कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी उसको लेकर के और फिर आप क्या करोगे उस प्रोडक्ट को आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे उसको खरीदने के तो ये इस तरीके से पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज़ करा जाता है आपके एटीट्यूड को बनाने में या फिर उसे चेंज करने में ठीक है कोई नया प्रोडक्ट आया और आपने देखा आपका फेवरेट एक्टर उसको सेल कर उसको प्रमोट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में है उसकी या फिर उसके बारे में अच्छी बातें बता रहे हैं या फिर आपकी फेवरेट एक्ट्रेस बता रही है आपका फेवरेट यूट्यूबर ठीक है या फिर कोई और भी इंसान तो आपको एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी उस प्रोडक्ट के लिए और आप उसको खरीद सकते हो वैसे ही वॉटसन ने भी अपना एक्सपेरिमेंट करा था सेम अल्बर्ट जो जो पैरव ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो डॉग के साथ करा था लेकिन वॉटसन ने अपना एक्सपेरिमेंट एक एक छोटे बच्चे के साथ करा था लिटिल अल्बर्ट के साथ सेम उसने भी ऐसी ही एसोसिएशन बनाई थी उसने नेगेटिव फीलिंग्स यानी फियर का यूज करा था तो हम अभी उसी की इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं हमें याद रखना कि क्लासिकल कंडीशनिंग इस तरीके इस का इस चीज का यूज करा जाता है किस चीज में इस लर्निंग का यूज करा जाता है पॉजिटिव फीलिंग्स को जनरेट करने में ताकि आप किसी भी कोई भी किसी भी चीज को लेकर के अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इवेल्युएशन कर सको आपको फीलिंग्स जनरेट हो इमोशंस आए आपके पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और फिर आप किसी भी आप लर्न कर सको इस चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस को और आप किसी भी इंसान को लेकर के उसका पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बना दोगे तो किसी प्रोडक्ट को लेकर के बना दोगे इसमें है अब सबलिमिनल कंडीशनिंग सबलिमिनल कंडीशनिंग क्या होती है एटीट्यूड्स कैन आल्सो बी फॉर्मड बिलो आवर कॉन्शियस अवेयरनेस सब्लीमन सब्लिमिनल कंडीशनिंग में क्या होता है कि आपकी अवेयरनेस आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से भी बिलो कुछ स्टिमुलस आपको दिखाए जाते हैं ठीक है फिर सुनाए जाता है और आप उससे अवेयर भी नहीं होते आप उस पर इतना ध्यान भी नहीं देते बट स्टिल वो इतना कॉन्स्टेंट आपको दिखाया जाता है बार 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 कि आपको लगता है कि आप फिर आप जब रियल लाइफ में उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हो तो आप जब भी रियल लाइफ सिचुएशन आती हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा उसी प्रोडक्ट को खरीदोगे ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई मूवी देख रहे हो काफ़ी टाइम से एक मूवी देख रहे हो ठीक है एक डेढ़ घंटा हो गया आपको वो मूवी देखते हुए और उस मूवी में बार बार जो स्क्रीन पर वो जो ब्रांड है वो फ्लैश हो रहा था कहीं कॉर्नर पे या फिर आ, काफी लाइट मैनर में वो बार बार शो हो रहा था ठीक है या फिर उस मूवी में जो भी कैरेक्टर्स थे वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का फोन यूज कर रहे थे ठीक है या फिर कपड़े यूज कर रहे थे या फिर कार उस, उस सभी उस सभी मूवी मूवी पूरी में सबके पास एक जैसी ही कार थी ठीक है या फिर किसी पर्टिकुलर ब्रांड के वो कपड़े या क्लॉथिंग या फिर कोई भी सोडा वगैरह फिर कुछ भी चीज वो यूज कर रहे थे तो आपने इस चीज पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दिया होगा कि सब लोग एक जैसा ब्रांड यूज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं कुछ भी या फिर स्क्रीन पे क्या लोगो फ्लैश हो रहा है बार बार बट आपके जब आप रियल लाइफ की जब आपकी सिचुएशन आएगी कि आपको वही वही कुछ कपड़े खरीदने हैं तो आपके ज्यादातर चांसेस ऐसे हो जाएंगे कि आपके दिमाग में वही ब्रांड आएगा उस उस टाइम पर आप बिल्कुल भी कॉन्शियसली को परसीव नहीं कर रहे थे बट वो इतना सटल था और इतना कंसिस्टेंट था कि आपकी कंडीशनिंग बन गई और अब आपके आप कॉन्शियस भी नहीं हो उस चीज को लेकर के बट फिर भी आप क्या है कि आप रियल लाइफ में वही चॉइसेस अपनी बनाओगे क्योंकि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके लिए बन जाएगा और आपके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस करेगा इसको हम सबलिमिनल कंडीशन कहते हैं जैसे बहुत सारे लोग जो है रात को आ, पॉजिटिव जो अफर्मेशन होते हैं ठीक है मतलब जो अफर्मेशन होती हैं जिस जो कि काफी लो पेस में होती हैं ठीक है सोते टाइम उसको सुनते हैं और ओवर द टाइम क्या उससे होता जाता है कि बहुत टाइम जब आपको हो गया वो अफर्मेशन सुनते हुए किसी की रिकॉर्डेड अफर्मेशन या फिर खुद की रिकॉर्डेड अफर्मेशन सुनते हुए तो ओवर द टाइम आपका सेल्फ एस्टीम भी बूस्ट होता है उससे ठीक है कॉन्फिडेंस भी आपका बनता है क्योंकि आप अफर्मेशन में यही चीजें बोलते हो तो वो भी सबन वो भी सब्ली कंडीशनिंग की वजह से ही होता है तो ये थी क्लासिकल कंडीशनिंग और हमने इसमें सबलिमिनल कंडीशनिंग पढ़ा ये मेनली अपने हमारे इमोशंस को अफेक्ट करती है हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करती है जिसकी वजह से हमारे अंदर ऐसी कंडीशनिंग बन जाती है कि हम किसी भी चीज को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली ही इवेलुएट करेंगे यानी कि हमारा एटीट्यूड इसकी वजह से बन सकता है तो क्लासिकल कंडीशनिंग फोर्थ है इसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है कंडीशनिंग ये जो थेरी थी ये हमें दी थी बी एफ स्किनर ने ठीक है इसमें क्या था कि हम लर्न करते हैं रिवॉर्ड्स या फिर पनिशमेंट से ठीक है कि हमने कोई भी काम करा उसकी वजह से हमें कुछ रिवॉर्ड मिला कुछ अच्छा मिला तो हम उस काम को बार बार रिपीट करेंगे क्यों क्योंकि हमें लगेगा कि ये काम क्या है सही होता है तो हमारे बिहेवियर को वो स्ट्रेंथन करेगा और जब भी हम कुछ नया कुछ भी गलत करते हैं उसके वजह से हमें पनिशमेंट मिलती है यानी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमें होते हैं तो वो हमारे बिहेवियर को वीक कर देता है बट क्यों वीक करता है क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है हमारी कॉग्निशन में क्या बैठ जाता है कि ये काम करना गलत होता है ठीक है और उसके लिए हमारे दिमाग में क्या बन जाता है एक नेगेटिव इवेल्यूएशन हम उसकी करते हैं हम उसके कौन से देखते हैं कि अच्छा ये बिहेवियर के क्या प्रोजन कौन से होते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कोगनेटिव कॉम्पोनेट होता है स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा है एटीट्यूड का तो उसमें कोगनेटिव कॉम्पोनेट में हमने क्या पढ़ा था कि हम ये जज करते हैं कि ये पता लगाते हैं कि ये बिहेवियर का या फिर इस चीज का क्या प्रोजन कौन सा है अगर प्रोज बहुत ज्यादा होते हैं तो उसके बेसिस पर हम वैल्यूएट करेंगे और बार बार उस काम को या फिर उस चीज को सही मानेंगे बट अगर नेगेटिव ज्यादा होते हैं ठीक है कौन से पर हमारा ज्यादा ध्यान जाता है या फिर किसी चीज की ज्यादातर कौन सी है ठीक है नुकसान ही है तो हम उसको नेगेटिवली नेगेटिवलीवेलुएट करेंगे उस काम को नहीं करेंगे यानी कि हमारी नेगेटिव एटीट्यूड उसके लिए बन जाएगा वही है ओपरेंट कंडीशनिंग सोशलाइजेशन एंड रिवॉर्ड्स जैसे इसमें क्या है कि जब पेरेंट्स हमें रिवॉर्ड देते हैं ठीक है रिवॉर्ड में कुछ भी हो सकता है कि हमें चॉकलेट दिया हमारे अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के या फिर हमारी तारीफ कर दी हमारे अच्छे बिहेवियर को लेकर के ठीक है या फिर बच्चों को पनिश करा जाता है फिर नॉर्मली भी हमको पनिशमेंट मिलती है अगर कभी भी हम कुछ भी गलत कर देते हैं अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम करा है ठीक है तो उसको पनिशमेंट उसकी मिलेगी क्यों क्योंकि उसने कुछ गलत करा है तो ये जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट होती है हमारी फैमिली जो हमें देती है हमारे पेयर्स कलीग्स ये सब हमारे एटीट्यूड को शेप करते हैं उसे बिल्ड करते हैं इसमें है नेक्स्ट अडेप्टिंग एटीट्यूड हम नए नए एटीट्यूड को बनाते भी हैं हमारे जो पुराने एटीट्यूड हैं जब हम नया हमें एक्सपोजर मिलता है जब डायरेक्ट एक्सपोजर हमें मिलता है नई सिचुएशन हमें मिलती है फिर पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं तो उसके बेसिस पर हमारा एटीट्यूड चेंज भी हो सकता है विद चेंज और एटीट्यूड टू फिट इन विद न्यू सोशल ग्रुप कि पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे ठीक है तो आप ज़िद्द भी करते थे आप रोने भी लग जाते थे अगर कोई आपकी बात नहीं मानता था बट जब आप स्कूल जाने लगे तो आप हर छोटी बात पर रो नहीं सकते तो आपने एक नया एटीट्यूड में रोना इतना सही नहीं है अब मुझे अगर मेरे सोशल ग्रुप में रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ मुझे खेलना भी है ठीक है उस ग्रुप में रहना है अपने दोस्तों के साथ तो मुझे अपने ये वाला बिहेवियर जो है वो सही नहीं है तो मुझे ये चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं आ रहे हैं तो वो अडेप्ट करने के लिए भी कि हम नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सके उसमें भी हमें मदद करता है वो भी हम सीखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पर ये हमें मदद करता है कि हम मैक्सिमाइज करें अपने रिवॉर्ड्स को और मिनिमाइज करें अपने पनिशमेंट्स को थर्ड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड्स कि इसकी वजह से एटीट्यूड कैसे फॉर्म होगा कि जो भी हमारे बेसिक रिलीजियस और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स होते हैं वो ज्यादातर इसी प्रोसेस में बनते हैं कि जब हम बार बार देखते हैं कि अच्छा ये वाली सरकार आई थी ये वाली जो है पॉलिसीज आई थी इसने मुझे इतना फायदा दिया था तो बार बार हम इसी को वोट दें ठीक है या फिर जब हम ये कुछ काम करते हैं ठीक है कोई भी अच्छा काम करते हैं किसी की मदद करते हैं तो उसकी वजह से मान लो आपने कोई अच्छा काम करा और इसी दिन आपके साथ भी कुछ अच्छा हो गया तो आपके दिमाग में क्या एसोसिएशन बनेगी ठीक है आपको क्या लगेगा कि अच्छा मैंने ये अच्छा काम करा है इसी वजह से मेरे साथ भी कुछ अच्छा हुआ है या फिर मैंने ये अच्छा काम करा है इस वजह से जो मेरे फ्रेंड्स है वो मुझे अच्छा समझ रहे हैं तो वो जो प्रेज है ठीक है वो जो आपको इतनी अटेंशन मिल रही है वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है तो वो भी आपके जो एटीट्यूड को फॉर्म करेगा किसी नए सोशल नेटवर्क को जब आप ज्वाइन करते हो तो उसकी वजह से आपके एटीट्यूड चेंज भी हो सकते हैं क्यों चेंज आप उसे करोगे क्योंकि आपको एक नए ग्रुप में अलाइन होना है ठीक है अडेप्ट करना है सर्वाइव करना है क्यों क्योंकि जब आप उनके साथ रहते हो तो वो वो आपको पॉजिटिव लगता है कि अच्छा मैं इस ग्रुप में हूँ सब लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए पॉजिटिव चीज़ है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है अच्छी बात है तो मुझे करना चाहिए तो ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग जो बी एफ स्नर ने दी थी कि हमारा जो एटीट्यूड बनता है उनके अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पर बनता है हम देखते हैं कि क्या इस काम के रिवॉर्ड्स है या फिर पनिशमेंट्स है और उसी के हिसाब से हम अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं फिफ्थ है इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑब्जर्वेशन लर्निंग बेसिकली क्या है ये पेंड्यूरा ने दी थी ठीक है कि हम दूसरों को देख करके यानी कि लर्निंग बाय वॉचिंग हम ऑब्जर्व करके दूसरों को देख करके लर्न करते हैं तो हम जो एटीट्यूड्स भी लर्न कर रहे हैं वो हम दूसरों को देख करके लर्न कर हैं कि हम अपने पेरेंट्स को या फिर फ्रेंड्स को देखते हैं जैसे अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं कि वो हमारे रिलेटिव या फिर पड़ोसियों को कैसे वैल्यूएट उन्होंने कराए ठीक है वो उनको पसंद नहीं करते ठीक है उनको अच्छे नहीं लगते या फिर उनको उनके नुकसान ज्यादा दिखते हैं तो हमारा भी वैसा ही एटीट्यूड बन जाएगा कि मे बी हमारे जो रेलेटि हैं ठीक है कोई पर्टिकुलर रिलेटिव हो गया या फिर कोई आपका नेबर हो गया कि ये लोग अच्छे नहीं है तो आप भी ऐसे ही उनको परसीव करोगे क्यों क्योंकि आपके आपने अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स को ऐसा देखा हुआ करते हुए विदाउट नीडिंग डायरेक्ट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट वहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड या पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ती आप सिर्फ देखते हो दूसरों को और उसी से अपना एटीट्यूड बना लेते हो या फिर दूसरों को हम लोग इमिटेट भी करते हैं यानी कि उनको मिमिक करने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में भी हम लोग सीखते हैं सीखते हैं जो भी हमारे मॉडल्स होते हैं ठीक है जिनको भी हम कॉपी करते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनको हम मॉडल बोलते हैं तो मॉडलिंग हम लोग देखते हैं कि हम दूसरों को देखेंगे उनका बिहेवियर behavior... इमिटेट करने की कोशिश करेंगे मिमिक करने की कोशिश करेंगे उनको कॉपी करने की कोशिश करेंगे इसमें हम सोशल कम्पेरिजन भी करते हैं कि हम अपने एटीट्यूड को दूसरों के एटीट्यूड से कंपेयर करेंगे ये देखने के लिए कि भाई हम सही हैं या गलत हैं तो हम इधर कंपेयर भी करते हैं कंपेरिजन करते हैं दूसरे लोगों से अपने जो भी हमारे एटीट्यूड्स और उनके एटीट्यूड्स हैं उनको कंपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि क्या हमारा एटीट्यूड सही है या गलत है फिर इसमें हम अपना एक रेफरेंस ग्रुप भी देते हैं रेफरेंस ग्रुप का क्या मतलब हो गया वो ग्रुप जिससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं या फिर जिनको हम लोग देख रहे हैं ठीक है वो हमारा रेफरेंस ग्रुप होता है और हम उन्हीं से हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं और हम हमारी क्या डिजायर होती है सिमिलैरिटी देखने की कि अगर आप स्कूल में जा रहे हो ठीक है या फिर कॉलेज में जा रहे हो तो आप ये देखोगे कि भाई मेरे एटीट्यूड किससे मैच करते हैं ठीक है कौन मेरे किसके और हम हमारे में से किसके एटीट्यूड मैच करते हैं और उसी के बेसिस पर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी फ्रेंडशिप्स को हमारी क्या होती है हमारी डिजायर फॉर सिमिलैरिटीज होती है कि हम सिमिलैरिटीज़ देखें अब इसमें क्या होती है हमारी डिजायर फॉर सिमिलैरिटी होती है कि हमें दूसरों से मिलता जुलता रहना है हमें बिल्कुल अलग एलियन इंसान नहीं बनना तो हम क्या करते हैं अपने एटीट्यूड को उसी तरीके से फॉर्म करते हैं जैसे हमारे आसपास के लोगों का होता है ताकि हमें सिमिलैरिटी मिल सके हम उस ग्रुप में रह सके अवॉइडिंग डिसकंफर्टर्टर्टर्टर्ट क्योंकि अगर डिसअग्रीमेंट होंगे ठीक है हमारे एटीट्यूड्स अलग अलग होंगे कि आपके पेरेंट्स तो बोलते हैं ये जो तुम्हारा दोस्त है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ठीक है या फिर ये जो हमारे पड़ोसी हैं इनके घर तुम मत जाना क्यों क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं है या फिर हमारी इनसे नहीं बनती हम मतलब बेसिकली नेगेटिव एटीट्यूड है उनके टुवर्ड्स बट आप सोचते हो यार इसका इनका जो बच्चा है वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो मैं तो इनके घर जाऊंगा तो वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट आएगा कि आपकी नजर में वो अच्छे हैं बट आपके पेरेंट्स की नजर में वो अच्छे नहीं है तो आप सिमिलैरिटीज ढूंढने की बेसिकली कोशिश करते हैं क्योंकि अगर डिसएग्रीमेंट्स होते तो वो आप सबको अनकम्फर्टेटेटल फील होगा वी टेंड टू अडॉप्ट देयर एटीट्यूड्स अवॉइड डिस्कम्फर्ट तो हम अक्सर उनके एटीट्यूड को अपना लेते हैं ताकि वो डिस्कम्फर्ट जो है अवॉइड हो या फिर वो हमारे एटीट्यूड को अपना लेते हैं ताकि डिस्कम्फर्ट अवॉइड हो तो ये होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग कि हम दूसरों को देख करके अपने एटीट्यूड बनाते हैं हम अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज को ठीक है अपने रिलेटिव इन सबको हम देखते हैं और उनके बेसिस पर हम अपना एटीट्यूड बना लेते हैं इधर हमें रि रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स की जरूरत नहीं होती ये होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग इसमें हम कंपेरिजन भी करते हैं अपने एटीट्यूड को जब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा डिफेंस है तो हम कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि वो अनकंफर्टेबल जो फीलिंग है वो अवॉइड हो सके डिस्कम्फर्ट अवॉइड हो सके लास्ट है इसमें जेनेटिक फैक्टर जेनेटिक फैक्टर क्या है कि आपके जो तो जीन्स हैं आपके जो जीन्स है आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो भी आपके एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है वो ज़्यादातर आपको अपने जीन्स से मिलती है ठीक like है जो स्ट्रॉन्ग लाइक और डिसलाइक्स होते हैं वो आपको आपके जीन्स से मिलती है ट्विन स्टडीज में भी देखा गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर उनके एटीट्यूड बनते हैं एज कम्पेयर टू दि फेटर्नल ट्विंस ठीक है दो तरीके के ट्विंस होते हैं एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो जिनका 90% से ज़्यादा डीएनए बिल्कुल सिमिलर होता है ठीक है बिल्कुल सिमिलर डीएनए होता है दूसरे होता है फेटर्नल ट्विंस जिनका 50 परसेंट की डीएनए मैच करता है उनकी शक्ल ज्यादा कोई सेम सेम नहीं होती उनको फेटर्नल ट्विंस कहा जाता है जो एक ही समय पर पैदा होते हैं और दूसरे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो जो आइडेंटिकल ट्विंस है उनके एटीट्यूड ज्यादातर एक जैसे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के सिमिलर एटीटूड देखे गए हैं एज कम्पेयर टू फेटर्नल ट्विंस रेरिंग एनवायरमेंट किस एनवायरमेंट में पाला पोसा गया है बच्चों को वो भी देखा जाता है फाउंड दैट ट्विंस अपार्ट सिमिलर एटीट्यूड टू ये भी देखा गया है कि जिन ट्विंस को एक साथ पाला गया था ठीक है उनका एटीट्यूड फिर भी इतना ज्यादा सिमिलर नहीं था जबकि जिन ट्विंस को अलग अलग ठीक है अलग अलग पाला गया था अलग अलग घर में थे जो ट्विंस उनका एटीट्यूड ज्यादा सिमिलर देखा गया जेनेटिक प्रीडिस्पोशन दीज फाइंडिंग जेनेटिक मेकअप और इससे यही पता चलता है कि जो प्रीडिस्पोजिशन होती है यानी कि जो आपके जीन्स होते हैं वो काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं उनको काफी ज्यादा उनका रोल होता है आपके एटीट्यूड को बनाने में फॉर्म करने में तो आपके जो जींस है वो भी रोल प्ले करते हैं ऐसा नहीं कि सब आप सिर्फ एक्सपीरियंस से ही लोगे बट आपके जींस भी रोल प्ले करते हैं कि आप एट द एंड क्या इवेल्युएन करने वाले हो और जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है आपके पेरेंट्स की वही आपके अंदर आती है ठीक है वही जीन्स के थ्रू पास डाउन होती रहती है अभी सोर्सेज फॉर प्रीडिस्पोजिशन कौन कौन से होते हैं अब ये जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस आता है ये इन फिजिकल सेंसरी और कॉगनेटिव एबिलिटीज उसकी वजह से आ सकता है एज वेल एज आज टेम्परामेंट एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स अब जो इसके सोर्सेज बताए गए हैं तो टेज का क्या मानना था कि भाई जो ये जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस हैं ये कहाँ से आते हैं इन फिजिकल सेंसरी और कम्यूनिटिव एबिलिटीज और आपके टेम्परामेंट या फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये भी आपको अपने जेनेटिक फैक्टर्स जो है आपके जीन्स हैं उसी से मिलते हैं जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा शोर या फिर पटाखे जलाना या फिर बहुत ज़्यादा शोर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है ठीक है तो ये नेचुरली है आपके अंदर कि आपको शोर ज्यादा पसंद नहीं है तो हो सकता है ये जो आपका प्रेफरेंस है या फिर ये जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड है नॉइज को लेकर के ये आपको आपके जीन्स से मिला हो ठीक है आपके पेरेंट्स भी ऐसे प्रेफर करते हैं ज्यादा शोर पसंद नहीं करते तो वही चीज आपके अंदर आई है या फिर हो सकता है कि आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है ठीक है आपको पजल सॉल्व करना आपकी जो कॉमेटिव एबिलिटी है जिसमें बताया गया है आपको मैथ्स बड़ी अच्छी लगती है नेचुरली बचपन से हमेशा से तो हो सकता है कि ये भी आपको आपके जीन्स से ही ये एटीट्यूड आपका आया है कि आपको मैथ्स अच्छी लगते पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका मैथ्स को लेकर के तो ये था जेनेटिक फैक्टर्स किस तरीके से फॉर्म करते हैं रोल प्ले करते हैं हमारा एटीट्यूड फॉर्म करने में तो बहुत से ऐसे स्ट्रॉग एटीट्यूड होते हैं हमारे जो कि हमें किससे मिलते हैं हमारे जीन्स से मिलते हैं ठीक है हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं कि आपको बचपन से हमेशा से जो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड काफी पसंद है तो ये जो सेंसरी जो प्रेफरेंस है आपकी ठीक है जो एटीट्यूड आपने बनाया है स्पाइसी फूड को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड वो आपको आपके पेरेंट्स से मिला हो ये हो सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही आज की वीडियो में हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन पढ़ा एटीट्यूड फॉर्मेशन में हमने मेयर एक्सपोजर की जब हम बार 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 एक ही चीज़ को देखते हैं एक्सपोजर लेते रहते हैं तो हमें वो अच्छी लगने लगती है लेकिन एक ऑप्टिमल एक्सपोजर होना उसके लिए जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए फिर है पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस किसी भी चीज को लेकर के किसी इंसान को लेकर के कैसा है वो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉग जो है एटीट्यूड बनाता है चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव फिर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी कि कैसे हम जो है एसोसिएशन बनाते हैं दो चीजों के बीच में उसकी वजह से भी हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो सकता है जैसे एडवर्टाइजमेंट में होता है कि वो लोग किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी अच्छी चीज़ के साथ ठीक है कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको मिलेगी ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद या फिर उस प्रोडक्ट को एक बहुत अच्छे एक्टर या एक्ट्रेसेस जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस टाइम पर उसके साथ एसोसिएट करा जाता है ताकि आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आए तो क्लासिकल कंडीशनिंग में फीलिंग्स की फीलिंग्स को अफेक्ट करा जाता है इन्फ्लुएंस करा जाता है ताकि आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बने फिर है ऑपरेंट कंडीशनिंग कि आप जो है कॉन्सिक्वेंस देखते हो यानी कि यहाँ पे कॉमोनेटिव कॉम्पोनेंट आता है एटीट्यूड का कि आप ये डिसाइड करते हो कि अच्छा मैंने ये बेहेवियर कराए तो ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था ठीक है इसके कॉन्सिक्वेंस क्या थे उसी के बेसिस पर मैं अपना एटीट्यूड बनाऊंगी उस चीज़ को लेकर के वो अप्रेंट कंडीशन में हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन लर्निंग में भी कि भाई हमारे आसपास के लोगों का क्या एटीट्यूड है वो हम देखते हैं समझते हैं और उसके बेसिस पर अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हैं कि हम छोटे हैं हमें नहीं पता कि क्या चीज़ सही है गलत है तो जैसा हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है हम भी वैसा ही समझने लग जाते हैं हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर अगर हमारा ऐसा एक्सपोजर होता है हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो अलग हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के किसी भी आइडिया को लेकर के तो वो चेंज हो सकता है बट इनिशियली वो किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है हमारे पेरेंट्स के या फिर फ्रेंड्स के या फिर आसपास की सोसाइटी के या फ्रेंड्स के प्रेफरेंस के ऊपर या फिर उनका क्या एटीट्यूड है क्यों क्योंकि हम डिस्कम्फर्ट नहीं चाहते उसके लिए फिर हमने लास्ट देखा कि जो हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं वो भी काफी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने के लिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉग लाइकिंग या डिसलाइकिंग होती है वो ज़्यादातर हमें किससे मिलते हैं हमारे जीन्स से तो ये था एटीट्यूड फॉर्मेशन और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटीट्यूड चेंज को पढ़ेंगे अच्छे से तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में